हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है, एग्ज़ाम सेंटर भी हमारे पास आ चुका है, बस अब एग्ज़ाम होना है और वो भी 28 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड के लिए चारों पेपर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए उनको हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि ये गेस ना मैं केवल अभी आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूं, बल्कि 3-4 महीने पहले ही मैं ये गेस आप लोगों को दे चुका हूं। बस हम एक बार लास्ट टाइम समझिए 2021 के लिए इसको रिविज़न कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि चारों पेपर, पेपर 5, 6, 7 और 8, इन चारों पेपर से रिलेटेड यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को गेस कर रहा हूँ, इन तमाम सभी प्रश्नों का जो आंसर का पीडीएफ है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पे आप केवल मुझे व्हाट्सअप करोगे, आपको कुछ फी पे करना होगा, उसके बाद मैं आपको इस चारों पेपर का आंसर का पीडीएफ दे दूंगा। और एक चीज़ बार बार मैं याद दिलाता हूं आपको कि आप लोग अपना मेन फोकस इन्हीं प्रश्नों पे करना, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस प्रकार से 2020 में पूछा गया है, इस सभी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं बनाया हूँ और यहाँ से प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, इसके लिए आप बेफिक्र रहे। तो चलिए, और अगर आप पीडीएफ लिए हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल हेल्प करेगी ये, जो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको मैं पीडीएफ से रिलेट करके बताऊँगा, तो वो आप ज़रूर करना। और अगर आप पीडीएफ नहीं लिए हो, लेना चाहते हो तो ले सकते हो नंबर पे व्हाट्सअप करके, अदरवाइज कहीं से भी इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेपर 5 में। तो दोस्तों पेपर 5 में जो पहला ग्रुप से प्रश्न आता है वो दो प्रश्न आपके पास होंगे, जिनमें से आपको एक प्रश्नों का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। इस पार्ट के लिए यानी ग्रुप एक के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म और विक्टोरियन क्रिटिसिज्म इस दो को किसी भी हालत में कर लो, थोड़ा बहुत टाइम बचे तो फेमिनिज्म को कर लो, ग्रुप ए के लिए सफिशियंट है। और इसमें भी न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म है, हमें लग रहा है 99% ये आ जाएगा। चलते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप में बी में भी सेम यही पैटर्न है, दो प्रश्न आपके पास आएगा जिनमें से किन्हीं एक का जवाब देना होगा और वो 15 मार्क्स का होगा। तो इसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ, एसटी कोलेरिज और डॉक्टर जॉनसन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आपको हूबहू भी देखने को मिल जाए। और टीएस इलियट मैं आपको ऐसे दिया हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि टीएस इलियट आपको पेपर 6 के लिए करना ही होगा, तो इसलिए बेहतर होगा टीएस इलियट को अगर आप करते चले तो ये हो सकता है पेपर 5 में भी आपको हेल्प करे। ऐसे पेपर 5 में तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही ग्रुप सी में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ग्रुप पेपर 6 के लिए भी आए रहेगा, तो इसलिए टीएस इलियट को भी आप कर लीजिएगा। और ग्रुप सी में जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ टीएस इलियट का ही जो एसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इन्हीं से प्रश्न आते हैं जो कि 30 मार्क्स का होता है। और 15 मार्क्स जो होता है दोस्तों, इनमें से 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ और एक्सप्लेनेशन वाले का मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के इसको जरूर देख लेना, 15 मार्क्स आप आसानी से इसमें सिक्योर कर सकते हो। लॉन्ग प्रश्न के लिए मैं आपको बता दूं, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म या फिर वर्कशॉप ऑफ क्रिटिसिज्म पूछे तो दोनों में सेम यही चीज आप लिखोगे और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहला इसे लिख दिया हूँ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से नहीं आते हैं, इसके अंदर जो तीन टॉपिक है थ्योरी ऑफ पोएट्री और इम्पर्सनल पोएट्री और ट्रेडिशन ऑफ पोएट्री, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोएट्री और इम्पर्सनल पोएट्री जो है, इन तरह से सवाल पूछे जाते हैं। बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि ग्रुप सी में लॉन्ग क्वेश्चन तो एक आना है, फिक्स है। अगर कोई भी आए और मान लीजिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म यहाँ से आ जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो एक छोटा सा काम आप करना, इस दोनों को ढंग से पीडीएफ से प्रिपेयर करना और जो ही चीज़ आपको आए
कोई भी क्वेश्चन ग्रुप सी का लॉन्ग क्वेश्चन आए टीएस इलियट के बारे में, ट्रेडिशन एंड फंक्शन, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इस दोनों के मिक्सचर को आप लिख देना, 15 मार्क्स में से आपको 12 से 13 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। और ये सारे सवाल पीडीएफ में अवेलेबल है, ये मैं आपको बार बार याद दिला दूँ। दोस्तों पेपर 5 में ही ग्रुप डी में एक आता है अनसीन पोएम करके, और ये 20 मार्क्स का होता है, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। इस सभी चीज़ों को मैं एक ही जगह नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि फिर ये वीडियो आधे घंटे का हो जाएगा। चलते हैं ग्रुप ई पे। तो ग्रुप ई में जो होगा दोस्तों, इस प्रकार से आपके पास टर्म होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जिनमें से आपको केवल 2 का जवाब देना होगा। इसी प्रकार से रहेगा, शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, यानी कोई 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो इसके लिए आप इको क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, एलेगरी, कार्नवेलिज्म, पैथेटिक फैलेसी, इन सब को आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। और फिर भी आप किसी को इग्नोर करना चाहते हो तो 1-2 को कर सकते हो, लेकिन सभी को मत करना। और जिसमें से इको क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म, इस सब को कर ही लेना। ऐसे ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है 6 में से 5 आपको देखने को भी मिल जाए। तो ये हो गया दोस्तों पेपर 5 के लिए। आप पेपर 5 में आई थिंक सब चीज़ समझ गए होंगे, जब पीडीएफ लेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पीडीएफ में सारा कुछ अवेलेबल है। अब आते हैं पेपर 6 में। दोस्तों पेपर 6 में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न एक्सप्लेनेशन का होता है, जो 16-16 मार्क्स का होता है, यानी 32 मार्क्स का होता है पहला और दूसरा प्रश्न। तो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो इसका वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप देख लेना। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न में दोस्तों क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के लिए आएगा आपके पास, और वो 17 मार्क्स का होगा, और इसमें आपके पास टोटल 6 ऑप्शन आपके पास, 6-7 ऑप्शन आपके पास होगा, अराउंड 6 के पास तो होगा ही, और उनमें से आपको किन्हीं एक पे ही नोट लिखना होगा। तो इसके लिए आप क्या क्या करोगे, तो इसके लिए आप पाइड ब्यूटी, लेडा एंड स्वान, चर्च गोइंग, हॉक रोस्टिंग, द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रफ्रॉक एंड लेडी लेजर्स, इस सब को कर लेना। और यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, ये आपको उतना ही हेल्प करेगा एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में, क्योंकि केवल पोएम वाले सेक्शन से 16 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। ये 16 मार्क्स जो होगा ये पिग्मेलियन और वेयर एंगल्स फियर टू ट्रेड से भी आएगा। तो ये होगा। अब चलते हैं हम चौथा प्रश्न पे। चौथा प्रश्न जो आएगा दोस्तों ये राइटर से रिलेटेड आएगा, उसके ऊपर आपको बोलेगा क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए। तो इसके लिए आप देखें ना, मैं आपको बताया था टीएस इलियट करने के लिए, तो यहाँ पे टीएस इलियट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता था। टीएस इलियट, फिलिप लार्किन, स्टीफन स्पेंजर एंड WH ऑरेन, इसको आप कर लेना। इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन शुरू के 3 को जरूर कर लेना। ये VVI और ये भी 17 मार्क्स का होगा। पांचवा प्रश्न और छठा प्रश्न जो आएगा दोस्तों, ये केवल लॉन्ग प्रश्न ही होगा, और ये दोनों जो प्रश्न होगा दोस्तों ये 17-17 मार्क्स का होगा। और पांचवा प्रश्न जिसमें आपका पिग्मेलियन से आएगा, और छठा प्रश्न जो आएगा वो आएगा वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो आप करना क्या, तो यहाँ पे मैं ऐसे दे दिया हूँ, पिग्मेलियन एज अ प्ले ऑफ आइडियाज, डिस्कस मेन थीम ऑफ द प्ले पिग्मेलियन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले पिग्मेलियन। तो यहाँ पे मैं करीब 3 क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये 3 भी ना करे तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ में मैं जो पिग्मेलियन के ऊपर नोट बनाया हूँ, आपको जहीं से 5 से 6 पेज का वो पीडीएफ में है केवल पिग्मेलियन के ऊपर, तो इस 5 से 6 पेज में से जहीं से भी आपको 2 पेज भी ढंग से प्रिपेयर हो जाए, बस आप एग्जाम में इंट्रोडक्शन दे देना पीडीएफ में, जो मैं बताया हूँ कि इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, तो वो इंट्रोडक्शन दे करके, और कोई भी क्वेश्चन आए लॉन्ग क्वेश्चन, कन्फर्म है पाँचवा प्रश्न पिग्मेलियन से आएगा ही, कोई भी प्रश्न आए उस पीडीएफ में से जहीं से ही आपको आता है 2 पेज लिख दो, 17 मार्क्स का है ना, 13 से 14 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। सेम यही पैटर्न आप करना छठा के लिए, जो मैं पीडीएफ में दिया हूँ कहीं से याद कर लेना, और कुछ भी पूछे, पूछना है तो ये इसी टॉपिक से आएगा, कन्फर्म है, 100% है, इससे बाहर आएगा ही नहीं, तो इसी के ऊपर लिखना है, तो उसी नोट्स में से जो ही आपको आता है उसी को रिपीट करके लिख देना। अगर आपको याद नहीं आता है फिर अदरवाइज
जो पीडीएफ में है जेन्यूनली उसी को करना बेहतर रहेगा आपके लिए। और छठा के लिए तो कैरेक्टर भी मैं आपको बताया था, फिलिप हेरिटॉन और लिलिया हेरिटॉन, ये कैरेक्टर वाला पोर्शन भी आपको हेल्प करेगा। आपको पता ही है एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और उसी में कैरेक्टर वाला भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पेपर सिक्स भी कंप्लीट। अब चलते हैं पेपर सेवन में। दोस्तों पेपर सेवन में भी पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन का ही आता है, इसके लिए आपको वीडियो फिर देखना होगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। दूसरा प्रश्न जो आएगा दोस्तों, ये आएगा आपके पास 5 से 6 पोएम होगा, किन्हीं एक पे आपको आंसर लिखना होगा। तो इसके लिए आप सोनेट को कर लेना, उसके बाद आप सोनेट टू द मून, द टाइगर एंड डीर, साइलेंट स्टेप्स एंड सेपरेशन, आवर कजरीना ट्री, विलेज सॉन्ग एंड आइसलैंड, इतना मैंने आपको दे दिया, बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल साइलेंट रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये है साइलेंट स्टेप एंड सेपरेशन एंड और एक ये कर लेना, तो ये सफिशियंट हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा ये जितना भी मैं यहाँ पे दिया हूँ सभी के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ लेना, पीडीएफ में सारा अवेलेबल है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर इसको आप ढंग से पढ़े रहोगे तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा प्रश्न दोस्तों बहुत सिंपल है, क्योंकि दूसरा प्रश्न में आपके पास ढेरों ऑप्शन रहता है, या तो आप इस पोयम के ऊपर नोट लिखो, या फिर इसी में और करके दिया रहेगा, या तो पोयम के ऊपर नोट लिखो या फिर यहाँ पर जो राइटर सब है उस राइटर के ऊपर नोट लिखो, किन्हीं एक के ऊपर। तो राइटर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो राइटर के लिए आपको याद कर लेना आप लोग सरोजिनी नायडू, श्री अरविंदो, निजी मेजिकिल, शिव के कुमार, HLBD रोजियो, AK रामानुजन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से इतना करने की जरूरत नहीं, अगर आप पोएट वाले सेक्शन से करना चाहते हो तो कोई भी दो कर लेना, कन्फर्म आ जाएगा। कोई भी दो, सरोजिनी नायडू और श्री अरविंदो भी कर लोगे तो कन्फर्म 100% इस दोनों में से एक आ ही जाएगा। लेकिन पोएम वाले सेक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे जैसे मान लो जो आप विलेज सॉन्ग और आइसलैंड कर लोगे तो ये जरूरी नहीं है कि इस दोनों में से कोई आएगा ही एक, लेकिन पोएट वाले से कन्फर्म है, इस दो को कोई दो को कर लोगे एक आसानी से आ जाएगा। तो ये आप याद रखना। और तीसरा प्रश्न जो आएगा वो आएगा नोवेल जो है R.K. नारायण का नोवेल द गाइड, वहाँ से आएगा। और उस नोवेल के बारे में आपसे टाइटल भी पूछ सकता है, थीम भी पूछ सकता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी पूछ सकता है, और कैरेक्टर में मैक्रो, राजू, वेलन, इस तीनों में से किसी का कैरेक्टर भी आ सकता है, यानी कुछ भी आ सकता है। आपको पता है दो प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न लॉन्ग होगा और एक प्रश्न उसी में और करके अथवा करके होगा जो कि कैरेक्टर से आएगा। तो ये सारा चीज़ PDF में अवेलेबल है, अगर आप याद कर पाते हो, इसको प्रिपेयर कर लेते हो, तब तो PDF में सारा चीज़ है, आप कर लेना। अगर आपको ये नहीं आता है तो मैं फिर यही स्ट्रैटेजी आपको कहूँगा कि द गाइड का जो मैं आपको PDF में नोट प्रोवाइड किया हूँ उस PDF में से आपको जही से आता है, बस करना क्या, तो कैरेक्टर वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देना, कैरेक्टर वाले क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करना। उसके अलावा जो इसी में रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, उस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में आप इस द गाइड के नोट में से जो भी आपको आता है 1 पेज 2 पेज रट के उसको सेम टू सेम आप उतार देना। 17 में से फिर यहाँ पे 12 से 13 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। चौथा प्रश्न जो आएंगे दोस्तों, ये आपके आपका जो आएगा वो आएगा एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, व्हाट इज कल्चर, इसके लिए यही दो इंपॉर्टेंट है, इस ढंग से कर लेना इसको। ऐसे मैं एक दे दिया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भी, तो इसको आप कर लेना। पांचवा प्रश्न के लिए दोस्तों कर्मा और द होम कमिंग को कर लेना, इतना सफिशियंट हो जाएगा। तो ये हो गया पेपर सेवन के लिए। अब चलते हैं पेपर एट पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेपर एट और पेपर फाइव, ये दो पेपर ऐसा है जिसमें आपको केवल रटने वाली चीज़ है। यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पाते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ नहीं, रटने वाला ज़्यादा है। आपसे अगर पूछा जाता है भाषा क्या है, तो उसको भाषा क्या है आप आसानी से कह सकते हो कि भाषा क्या होता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अगर रट लेते हो फिर रट लो। पेपर फाइव और एट ये रटने वाला ही चीज़ है, समझने वाला चीज़ अगर समझना चाहते हो तो इसके लिए मैं सभी भी वीडियो बनाया हूँ डिटेल से, तो उसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, अगर समझना चाहते हैं तो, अदरवाइज ये रटने वाला चीज़ है। और पेपर सिक्स और पेपर सेवन जो हो गया ये रटने वाला नहीं है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। कहानी है कि एक कहानी है, एक लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है, वो एक गाइड के रूप में काम करता है, फिर साधु रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब कहानी होता है, जैसे एक
ये होती है हरिन होती, हिरन होती है जो पानी पी रही होती है, टाइगर यानी बाघ उस पर अटैक करता है, उसको मार देता है, फिर भी सोचती रहती है कि हम तो मर गए, हमारा साथी कैसे रहेगा। तो ये सब स्टोरी है, 5-6 में स्टोरी है, पोएम वगैरह है, तो ये सब तो कहानी है, आप आसानी से रिलेट कर लोगे। लेकिन पेपर 5 और 8 जो है ये रटने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है थोड़ा बहुत, ये पोएम तोएम की तरह ये स्टोरी नहीं है। तो इसके लिए आप ये सब याद कर लेना। देख रहे हैं मैं कितना बताऊँ, पहला ग्रुप में आएगा वो 15 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए आप ये सब कर लेना। कोशिश करना आप ग्रीम्स लॉ को जरूर कर ले। और व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आप, मैं मत बोल नहीं बोलूँगा, आप लोग क्वेश्चन देख ही लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। ग्रुप बी में भी जो प्रश्न आएगा वो भी 15 मार्क्स का होगा। इसके लिए आप फोनेटिक्स क्या है और इसका ब्रांचेज क्या है तो इसको कर लेंगे, वॉवेल्स क्या है इसको कर लेंगे, और वॉवेल्स में भी क्लोज वॉवेल्स, आर्टिकुलेशन ऑफ बैक वॉवेल्स, उसके बाद सिलेबल क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है और लिंग्विस्टिक का ब्रांच कौन कौन से है तो इसको आप कर लोगे। ये सारा पीडीएफ में अवेलेबल है। उसके बाद ग्रुप सी भी 15 मार्क्स का आएगा। इसके लिए आप व्हाट इज मॉर्फिम, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मॉर्फिम, फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स ऑफ ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव यानी टीजी ग्रामर एंड सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। ये हो गया सेक्शन सी के लिए जो कि 15 मार्क्स का आएगा। अब चलते हैं सेक्शन डी, ये भी 15 मार्क्स का आएगा। इसके लिए आप कर लेना सीमेंटिक्स को ढंग से प्रिपेयर। व्हाट इज सीमेंटिक्स, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सीमेंटिक्स, डिफरेंस बिटवीन होमोफोनी एंड होमोग्राफी, उसके बाद प्रैग्मेटिक्स क्या है, सिनोनिमी एंड एंटोनिम्स क्या है, इसको आप कर लेंगे। उसके बाद ग्रुप ई में जो आएंगे आप, तो ये 20 मार्क्स का होगा और यहाँ पे इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो इसके लिए आप, मैं बहुत यहाँ पे तो मैं ढेरों दिया हूँ, लेकिन आप डायलेक्ट, सिलेबल, एजिमुलेशन, ब्रिटिश आरपी, बॉन्ड मॉर्फिम, आईसी एनालिसिस, इस सबको कर लेना। टाइम मिले तो इस सबको 2-3 को भी कर लेना, यहाँ से इसे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। आपको बहुत सारे ऑप्शन होगा जिसमें से आपको केवल 4 के बारे में ही आंसर देना होगा। और लास्ट है छठा, और एक चीज मैं बता दूं कि ये छठा प्रश्न ऐसा है, अगर आप थोड़ा भी मेहनत कर लेंगे तो 20 में से 20 ला लेंगे। आपके पास टोटल 15 प्रश्न होंगे, छठा प्रश्न में 15 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको केवल 10 का जवाब देना होगा और उसको ट्रांसक्राइब करना होगा फोनेटिकली। और उसको करेंगे कैसे, तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जामिनेशन आ जाएगा, क्वेश्चन आफ्टर आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, गुड आ जाएगा, मूड आ जाएगा, और आपको कहेगा कि इसको फोनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करिए। तो इसके लिए ये सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ में सारा चीज़ दे दिया हूँ कि ओया से लेकर के यह तक कैसे लिखते हैं, यानी जितना भी होता है, जिस तरह की आपको पता ही होगा कि अगर ओस ओया अगर आप सीख लेते हो तो हिंदी में नाम लिख लेते हो, ABCD आपको ढंग से आ जाता है तो इंग्लिश का नाम लिखना सीख जाते हो। इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उसको सीख लोगे तो कुछ भी आएगा तो उसको आप आसानी से लिख सकते हो। तो वो PDF में अवेलेबल है, साथ ही साथ मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ, तो वो भी आप देख लेना, ये सफिशियंट हो जाएगा। और यहाँ पे आप 20 में से 20 ला सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम 15 से 20 मिनट अगर कभी एक दिन दे दोगे ढंग से तो इतना हो जाएगा। तो दोस्तों यही था पार्ट 3 के लिए 4 पेपर का गेस क्वेश्चन। मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूर्णतः सिलेबस पे बना हुआ है। और एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, कॉल मत करेंगे, मैं आपको एक लिंक भेज दूँगा, आपको उसके थ्रू पेमेंट करना होगा, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम, जिस जो भी आप यूज करते हो, छोटा सा अमाउंट होगा। ये पे करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके जो 10 दिन लगभग एग्ज़ाम का बचा हुआ है तब तक मैं आपका हेल्प करता रहूँगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।